मऊ कोतवाली की पत्रकार से अभद्रता। अवैध खनन में मऊ कोतवाली पुलिस की संलिप्तता की खबर लिखने से नाराज मऊ कोतवाल ने पत्रकार से अभद्रता की। मामला मऊ बस स्टैंड का है। पत्रकार शीश चंद तिवारी सड़क किनारे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर एक दुकान से घरेलू सामान ले रहा था, तभी मऊ कोतवाल सुभाष चंद चौरसिया ने मोटरसाइकिल का बहाना लेकर उक्त पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियां दी और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। मामला गंभीर होने पर मऊ के वरिष्ठ पत्रकारों सहित सभी पत्रकारों ने मऊ उप जिला अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को एक संबोधित ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मऊ कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई हेतु आग्रह किया गया। इसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई हेतु चित्रकूट एसपी डीआईजी आईजी जोन इलाहाबाद के समक्ष ज्ञापन कार्रवाई हेतु सौंपा जाएगा। पत्रकार ग्रुप का नेता तो वरिष्ठ पत्रकार एडवोकेट प्रफुल्ल चंद्र त्रिपाठी प्रदेश सचिव ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने किया। अन्य पत्रकारों में अवध नरेश त्रिपाठी, सुशील कुमार शुक्ला, अमित पांडे, कपिल देव त्रिपाठी, गुरु द्विवेदी, अनिल निषाद, रवि गुप्ता, मनु द्विवेदी, नरेंद्र खरे, जावेंदु पांडे, ज्ञानचंद्र शुक्ला, विष्णुदेव त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद मिश्रा व विनोद पांडे की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। चंद तिवारी, सनाब कृष्ण धीरज तिवारी, राष्ट्रीय सहारा, मऊ चित्रकूट का मैं रिपोर्टर हूँ। कल मैंने अवैध खनन का समाचार प्रकाशित किया था अपने न्यूज़ पेपर में, जिसको देखकर मऊ कोतवाली प्रभारी सुभाष चौरसिया बौखला गए। और उन्होंने शाम को जब मैं अपनी बाइक लेकर मार्केट आया और सामान ले रहा था खड़ी करके, तब उन्होंने मुझे बुलाकर अभद्रता करते हुए गाली गलौज देने लगे। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझे फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी भी दी। इसके बाद मैंने उच्च अधिकारियों को फ़ोन द्वारा सूचित भी किया, जब उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो उसके बाद मैं आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को मऊ के उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपनी एप्लीकेशन द्वारा दिया कि इसमें उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर की जाए। और जब इस तरह में आजकल पत्रकार जो सच को उजागर करते हैं, जब वो सुरक्षित नहीं रहेंगे और वो लोग वो के ऊपर ऐसी घटनाएं और गाली गलौज अभद्रताएं होंगी, तो आम जनता जो गरीब है, जो अपनी शिकायतें लेके जा रही है, उसके साथ कैसा बर्ताव करते होंगे।